हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 5G प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप ऐप लॉक वगैरह को कैसे सेट कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन में, और ऐप लॉक वगैरह आप कैसे लगा सकते हैं ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप लॉक को आप कैसे लगा सकते हैं और सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप लॉक कैसे लगाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। और सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन में ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। प्राइवेसी पे जाना है, प्राइवेसी पे जाकर स्लाइड करना है, और स्लाइड करते ही अपने फ़ोन में आप ऐप लॉक भी लगा सकते हैं और ऐप लॉक भी सेट कर पाएंगे ओप्पो फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि आपको ऐप लॉक सेटिंग्स पे जाना है और पासवर्ड डाल देना है कुछ इस तरीके से। इससे ऐप लॉक सेटिंग्स आ जाएगी, जिस पे जाकर किसी भी ऐप्स को आप लॉक कर सकते हैं। पहले ऐप लॉक को ऑन करना है, फिर जिस भी ऐप्स को लॉक करना है उसको यहाँ से ऑन कर देना है, और आपके फ़ोन में ऐप लॉक सेट हो जाएगा और आपके फ़ोन पे ऐप लॉक भी शो करेगा कुछ इस तरीके से। और आप चाहें तो ऐप लॉक को हटा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर पाएंगे फ़ोन में। इससे ऐप लॉक को हटा पाएंगे ओप्पो फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं, सिंपली प्राइवेसी पे जाना है, स्लाइड करना है, ऐप लॉक्स पे जाना है, इस तरीके से पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ से आप लॉक को अनलॉक भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि बस ऑफ कर देना, इससे ऐप लॉक है आपके फ़ोन से अनलॉक हो जाएगा और किसी भी ऐप्स पे लॉक शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।